नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो चुना गया था क्लिमता एमरजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IFFI 2019 में किसे आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यार रजनीकांत हैं, साउथ एक्टर रजनीकांत को गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रोविजन के 11वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य क्रिकेटरों के साथ अनुबंधन करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य जो क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करने वाला पहला राज्य है? तो यह है उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शौकत कैफी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बिलियन मिडिल्डा ने समझौता किया है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलबुर्गी हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है वो किसे किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से, तो गेंटा बुर्थर को किया गया है, ऑप्शन बी गेंटा बुगर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMGSY के अंतर्गत किस राज्य सर्वाधिक जो बनाई गई है, किस राज्य में सर्वाधिक सड़कें बनाई गई हैं पूछा जा रहा है? हाल ही में PMGSY के अंतर्गत सर्वाधिक सड़कें किस राज्य में बनाई गई हैं? तो ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में इस बार जो बनाई गई हैं सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये चित्रेश नटसन बने हैं, ऑप्शन बी चित्रेश नटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिखर पुरस्कार से विमोचन किया गया है, तो किसे किया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिखर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को MK-47 तोपें देने का फैसला किया है? तो MK-45 तोप देने का फैसला किया है किस राष्ट्र ने? तो अमेरिका ने, ऑप्शन बी अमेरिका ने भारत को MK-45 तोप देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने नई भूमि नीति 2019 जारी की है, तो किस राज्य ने जारी की है? ये असम राज्य ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया समिति 2019 कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI 2019 फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च ग्रामीण 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है सर्वेक्षण में, स्वच्छ सर्वेक्षण जो किया गया 2019 में, तो ये तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखने वाला 2019 में पहला राज्य है जो सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का फोकस देश कौन बना है? तो ये रूस बना है, रूस जो है इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का फोकस देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय
वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेनर्स नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सत्या नडेला शीर्ष पर रहे हैं, ऑप्शन बी सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक मंडली कहाँ शुरू हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कई देशों के मुस्लिम लोग यहाँ पर ये मंडली में भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 11 लाख लोग हैं, और यह हर साल महाराष्ट्र में मना सॉरी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाड देशों के पहले काउंटर टेररिज्म अभ्यास का मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये नई दिल्ली राज्य कर रही है, नई दिल्ली जो राज्य है भारत का, ये मेज़बानी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलावेल वार्लिवन और दिव्यांश पवार ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने संभावित डायरिया टीका विकसित किया है? तो ये स्वीडन ने किया है। किस देश ने किया है? इस देश इस स्वीडन ने किया है। स्वीडन ने डायरिया का टीका विकसित किया है, जो डायरिया होती थी बच्चों को, वो उसका जो टीका अभी विकसित हुआ है, ये स्वीडन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये शिवांगी बनी है। कौन बनी है? शिवांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पांचवी AIEC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रोफेशनल मुक्केबाजी में लगातार 12वीं जीत दर्ज की है? तो ये विजेंद्र सिंह ने लगातार 12वीं बार अपनी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत कौन सा राज्य है जो इस योजना के तहत कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? मतलब इसके जो पीएम किसान हैं, इस योजना चली थी जिसमें कितने किसानों को इस योजना का लाभ मिला? तो ये 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विधि आयोग ने जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है जबरदस्ती, तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई लीग का 13वां संस्करण कहाँ जो 13वां संस्करण है ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्यकार भरोसा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है इस योजना को, मत्स्यकार भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ अखिल भारतीय अनुसंधान अनुसं सॉरी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। एम्स और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के बीच ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो अरब लीडर समिट का अवार्ड 2019 में किसे जो है सम्मानित किया गया है? इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें बिहारी पुरस्कार 2018 में किसे सम्मानित किया गया? तो मनीष कुलश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 172वीं डिफेंस पेंशन अदालत का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओशन डांस फेस्टिवल 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है।
आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ये चार ऑप्शन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।